हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, बारबी और ओपेनहाइमर एक ही दिन रिलीज़ हुई और दोनों ही मूवीज़ को बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। अब जो ओपनिंग वीकेंड के नंबर्स निकल के आ रहे हैं गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। यानी बॉक्स ऑफिस क्लैश के बाद भी दोनों मूवीज़ ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है बॉक्स ऑफिस पे। सबसे पहले हम लोग बारबी मूवी की बात करें तो यूएस मार्केट, जिसे हम डोमेस्टिक मार्केट भी बोलते हैं, उसमें जो ओपनिंग वीकेंड है वो अराउंड 155 मिलियन डॉलर्स का है। यानी कि गाइस, बारबी मूवी ने द बैटमैन, जो 134 मिलियन डॉलर्स का ओपनिंग वीकेंड था, उसको भी बीट कर दिया है। और ओवरसीज का कलेक्शन अगर मिला के वर्ल्ड वाइड ओपनिंग वीकेंड की बात करें तो अराउंड 337 मिलियन डॉलर्स का ओपनिंग वीकेंड है वर्ल्ड वाइड बारबी मूवी का। यानी मंडे या ट्यूजडे तक ये अपना ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस कर जाएगी और उसके बाद जितना भी ये पैसा अर्न करेगी वो प्योर प्रॉफिट रहेगा। अच्छा, एज अ वार्नर ब्रदर्स फैन, खास करके एज अ डीसी फैन, हमें बारबी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से खुश होना चाहिए, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस मूवी से वो इनडायरेक्टली जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स को ही बेनिफिट करेगा। तो एज अ वार्नर ब्रदर्स फैन या एज अ डीसी फैन, ये जो बारबी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। ऑनलाइन आप जानते हैं, कुछ स्कूपर्स, क्रिटिक्स, ब्लॉगर्स ने हेट फैलाने की कोशिश की थी बारबी के अगेंस्ट, कि सच्चे डीसी फैन हो या सच्चे जैक स्नाइडर के फैन हो तो बारबी मूवी को बॉयकॉट करो। लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि भैया, बारबी फैंस को आप बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। डीसी फैंस, खास करके स्नाइडर फैंस को तो आप बेवकूफ़ बना लेते हो कि पर्दे के पीछे से खबर निकल के आ रही है कि स्नाइडर वर्स रिस्टोर होने वाला है, या दरवाजे के पीछे ये बात चल रही है कि अगर फ्लैश फ्लॉप होती है तो स्नाइडर वर्स रिस्टोर हो जाएगा, ब्लैक एडम फ्लॉप होती है तो स्नाइडर वर्स रिस्टोर हो जाएगा, ब्लू बीटल फ्लॉप होती है तो स्नाइडर वर्स रिस्टोर हो जाएगा। तो आप डीसी फैंस को तो बेवकूफ़ बना लेते हो ये स्कूप्स दे दे के, लेकिन बारबी फैंस डीसी फैंस की तरह बेवकूफ़ नहीं है कि आप कुछ भी बोल के चले जाओगे और हाँ, वो लोग हाँ 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 ये स्कूपर सही कह रहा है, ब्लैक एडम को फ्लॉप करवाओ तो स्नाइडर वर्स रिस्टोर हो जाएगा। तो बारबी फैंस बेवकूफ़ नहीं है डीसी फैंस की तरह, तो सॉरी स्कूपर्स, आपकी दाल इस बार नहीं गली। दूसरी तरफ यूनिवर्सल पिक्चर्स की जो मूवी है ओपेनहाइमर, बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये भी कर रही है। आर रेटेड होने के बावजूद ओपनिंग वीकेंड इसका अराउंड 80 मिलियन डॉलर्स है और वर्ल्ड वाइड जो इसका कलेक्शन है वो फिलहाल ये बताया जा रहा है 170 से 190 मिलियन डॉलर्स की रेंज में है। यानी इन द लॉन्ग रन ये मूवी भी ब्रेक इवन कर जाएगी और अच्छा कलेक्शन इसका हो जाएगा, बहुत बढ़िया कलेक्शन ये भी करेगी। तो दोनों ही स्टूडियोज, वार्नर ब्रदर्स और यूनिवर्सल पिक्चर्स, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। और एज एन ऑडियंस हम लोग भी यही चाहते हैं कि अच्छी फिल्म्स बने, पब्लिक को पसंद आए, और अगर अच्छी फिल्म है, पब्लिक पसंद कर रही है, तो कलेक्शन भी उनका हो। और आजकल जो भीड़ भाड़ है इतनी ज़्यादा सुपर हीरो कंटेंट की, इसमें अगर थोड़ा सा हट के कोई मूवी आ रही है या थोड़ा सा कोई अदर आईपी की मूवी आ रही है और वो अच्छी भी बन रही है, तो हम देखते हैं कि पब्लिक उसको पसंद करती है। तो यही एक वीडियो था कि जो ओपनिंग वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है बारबी मूवी का वो अराउंड 155 मिलियन डॉलर्स है डोमेस्टिक मार्केट्स में, और ओवरसीज में अराउंड 337 मिलियन डॉलर्स है। वहीं ओपेनहाइमर का जो है वो 80 मिलियन डॉलर्स है डोमेस्टिक मार्केट्स में, लेकिन ओवरसीज में ये अराउंड 190 मिलियन डॉलर तक भी जा सकती है। फिलहाल हमें एक दिन का और वेट करना पड़ेगा। तो हॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।